वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके वीडियो का जो थंबनेल दिया है जिसका नाम दिया है कि इसे हमने मार्क्स का खजाना बताया है, तो वास्तव में ये सच है। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए मार्क्स का खजाना लेकर ही आया है, और ये सच है कि इस दुनिया में तो ये खजाना आपको और कहीं एक साथ नहीं मिल सकता है। इतने सारे कॉमन कंटेंट्स आपको एक साथ नहीं मिल सकते हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि अपने चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बस आप लोगों को उन चीज़ों को हम आज बताने जा रहे हैं। यदि आपने उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, उन्हें अच्छे से तैयार कर लिया, तो वास्तव में ये सच है कि आधी लड़ाई हमने उन्हें याद करके जीत ली है, और वो कोई एक क्लास के लिए नहीं है बल्कि हमारे लाइफ टाइम काम आने वाले टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में आने जा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग का। लेटर राइटिंग में सबसे पहले हमने आपके लिए 1000 का एक पत्र बनाया हुआ है। इसका नाम हमने 1000 का एक 1000 का 1 रखा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वास्तव में ये एक पत्र ही आपके जो ऑफिशियल लेटर हैं, जो हम लेटर टू द अथॉरिटी लिखते हैं, जो हम प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सा भी पत्र हो, आसानी से कॉमन कंटेंट बना हुआ है। बस आपको सब्जेक्ट और टॉपिक का नाम चेंज करना है, बाकी पूरा जो मैटर है वही रहेगा, आसानी से बनाकर आ सकते हैं। इसी में से हम लेटर टू द एडिटर में भी अगर कोई हमारी प्रॉब्लम है, जो हम न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखते हैं, उसमें भी 100% यही चल जाएगा। और इसके अलावा स्कूल रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो हम एक HM को, प्रिंसिपल को लिखते हैं, उसमें भी चल जाएगा। इसमें लेटर टू द एडिटर को जब हम लिखते हैं तो उसमें कभी कभी ग्लोबल और नेशनल इश्यूज पर हम हमारे विचार प्रकट करते हैं, उसमें आता है आपके व्यूज़ एक्सप्रेस कीजिए और साथ में आप सजेशन भी दीजिए। तो इसके लिए हमने आपकी जो 40 का एक कॉमन पैराग्राफ स्पीच राइटिंग का कॉमन कंटेंट बनाया हुआ है, उस कंटेंट को इस पत्र में रख कर हम आसानी से लेटर टू द एडिटर का वो वाला पत्र भी आसानी से बना सकते हैं। ये भी मैंने तरीका बनाया हुआ है। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, निश्चित रूप से एग्जाम में आता है, उसके भी कई सारे अलग अलग तरीके बताए हुए हैं आपके अलग अलग जो गाइड्स हैं उनमें। लेकिन मैंने इसका एक कॉमन कंटेंट बनाया है, जो हम रिज्यूम बनाते हैं, CV बनाते हैं, बायोडाटा बनाते हैं, कॉमन बनाया हुआ है। एक याद कर लें, एक समझ लें, आप अपने चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाकर आसानी से समझ में आ जाएगा। इसी तरह बिजनेस लेटर भी, कई सारे बिजनेस लेटर से स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, इसको कैसे लिखे, उसको कैसे लिखे, मैंने कॉमन बना रखा है। आप इसे भी प्लेलिस्ट में जाकर देखें, कंपोजिशन पार्ट और राइटिंग पार्ट के प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, या फिर आप बिजनेस लेटर बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा यूट्यूब पर सर्च करें। इनफॉर्मल लेटर्स जो कि 9th-10th में आते हैं, उनमें ज़्यादातर बधाई का पत्र और दुख का पत्र, ये दोनों लेटर्स अधिकतर आते हैं, और इनका कॉमन कंटेंट मैंने बनाया हुआ है। आप इन्हें आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से समझ सकते हैं। दो पत्र याद करने हैं, सुख का और दुख का, जिसमें कितनी भी बधाई देनी हो, कितना भी दुख प्रकट करना हो, अलग अलग पत्रों में आसानी से बनाकर आ सकते हैं, तरीका समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ, स्पीच, आर्टिकल, टास्क, रिपोर्ट, राइटिंग, ये कई सारे टॉपिक्स हैं जो सभी क्लास में दिए हुए हैं, अलग अलग क्लास के, किसी क्लास में कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, किसी में पैराग्राफ है, शॉर्ट राइटिंग टास्क है, किसी में टास्क ऑन इवेंट है, इंसिडेंट है, किसी क्लास में स्पीच आर्टिकल है, रिपोर्ट राइटिंग है। मैंने इन सब का एक तोड़ निकालते हुए कॉमन कंटेंट बना दिए हैं, और
इसके अलावा जो मैंने आपके 40 का एक पैराग्राफ, एसे, आर्टिकल, स्पीच कोई सा भी आ जाए, और कई सारे टॉपिक्स लेकर 10 का एक, 8 का एक, 9 का एक, ऐसे कई सारे टॉपिक्स लेकर जो कॉमन हो सकते हैं, जिनमें कि बिल्कुल भी बात अलग न जाए, यानी उसमें स्टूडेंट के मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ऐसा प्रयास करते हुए बनाए हैं। आप उन टॉपिक्स का नाम बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, या फिर कंपोजिशन पार्ट प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको चीज़ें मिलेंगी। रिपोर्ट राइटिंग की बातें जो 11th 12th में आती हैं, उनके लिए मैंने रिपोर्ट में अधिकतर स्कूल प्रोग्राम से, किसी एक्सीडेंट दुर्घटना से, इसके अलावा बुक फेयर से, फ्लावर एग्जीबिशन से, जो जो कॉमन कंटेंट हैं उन सब की मैंने कॉमन रिपोर्ट बना दी है। आप वहाँ से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करके भी आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। पैसेज का है तो सीन अनसीन पैसेज और नोट मेकिंग पैसेज, इनके मैंने आप लोगों के लिए बहुत शानदार वीडियो बना रखे हैं। आप पैसेज और अनसीन पैसेज, जो आपके सीन आता है, एक तो बुक का एक अनसीन आता है और एक आपके नोट मेकिंग वाला पैसेज भी आता है, जो कि हर साल सिलेबस में किसी क्लास में दिया जाता है, किसी में नहीं दिया जाता है। आप अपने सिलेबस के अनुसार उसे देखें। अगर आपके कोर्स में दिया हुआ है तो आप नोट मेकिंग जो पैसेज है बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें। एक तरीका सीखना है आपको केवल, उसके बाद में 100% दोबारा देखने की भले ही जरूरत नहीं है, 100% आपको आ जाएगा। ग्रामर पार्ट के मैंने आपको शानदार वीडियोस बना रखी हैं, ट्रिक्स बना रखी है, जिनसे आप आसानी से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ग्रामर के अलग अलग पार्ट हैं, सब मैंने अधिकतर बनाए हुए हैं। आप बस ग्रामर पार्ट और बाद में बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा लगाकर सर्च करें या ग्रामर पार्ट की प्लेलिस्ट विजिट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं नोटिस राइटिंग में। नोटिस राइटिंग का शानदार वीडियो बना रखा है, आप एक बार समझ लें, भले आप 1000 नोटिस आए बना देंगे। फॉर्मल इनफॉर्मल रिप्लाई की भी मैंने शानदार ट्रिक बता रखी है, चाहे इसमें आपको मना करना हो या यस करना हो, आप जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, एक एक लाइन चेंज करनी है, तरीके मैंने आपको बता रखे हैं। आप बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा और टॉपिक का नाम आगे लिखकर इन्हें सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैट्रिमोनियल्स हैं, जो वेवाई के, ब्राइड वांटेड, ग्रूम वांटेड, एक एक वीडियो आपको इनका देखना है, आसानी से आ जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट के भी मैंने कॉमन बना रखे हैं, चाहे मकान बेचना है, मकान खरीदना है, किराए पर देना है, किराए पर लेना है, केवल एक लाइन चेंज करनी है और पूरा कंटेंट कॉमन बनाया हुआ है। पोस्टर मेकिंग का भी मैंने शानदार तरीका बताया हुआ है, 2-4 लाइन आपको समझनी है, कैसे लिखनी है, इधर उधर करके आसानी से पोस्टर मेकिंग भी आ जाएगा। कई सारे वीडियोस बना रखे हैं। ईमेल राइटिंग का मैंने शानदार वीडियो बना रखा है, ईमेल राइटिंग का केवल एक आपको वीडियो समझना है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन से ही आप ईमेल बना देंगे, वो तरीका समझ में आ जाएगा तो 100%। इसके अलावा हमारे जो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं पोएट्री सेक्शन से, पोएट्री पार्ट से, पोएट्री सेक्शन में आपके 9th 10th में जो एक्सप्लेनेशन आती है उनकी मैंने कॉमन एक्सप्लेनेशन बना रखी है। कितनी भी एक्सप्लेनेशंस बनती हो उस कविता में से मैंने केवल एक बना रखी है, एक याद कर लें। 11th 12th में एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि आपका कोई भी 4 लाइन उस पोएट्री में से, उस कविता में से उठाकर उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स उस कविता में से ही हम कैसे बनाते हैं, उसके भी मैंने शानदार वीडियो बना रखे हैं। आप उस कविता का नाम और बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च करें, आसानी से आ जाएगा। रोड सेफ्टी पर आने वाले क्वेश्चंस के भी मैंने आपके कॉमन कंटेंट बनाया हुआ है, यानी रोड सेफ्टी का मैंने आपके लिए कॉमन कंटेंट बनाया हुआ है। ये स्पीच राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में, पैराग्राफ राइटिंग में कहीं भी पूछा जा सकता है, और कई क्लासेज में तो ये अनिवार्य आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका कॉमन बना रखा है। आप इसे बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि हर टॉपिक का अलग पैराग्राफ, अलग कंटेंट याद करना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बड़ी परेशानी वाला कार्य रहता है, इसलिए मैंने इसका कॉमन बनाया हुआ है।
आप इसे जरूर रोड सेफ्टी पैराग्राफ बाय इंग्लिश गुरु महेश शर्मा सर्च कर सकते हैं। स्पीच पैराग्राफ ये मैंने कॉमन बना रखा है, आप इसे आसानी से सर्च कर सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप लोग इन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो कि आपके लाइफ टाइम काम आने जा रहे हैं, तो आपके इन टॉपिक्स के मार्क्स हमेशा एक क्लास में ही नहीं, ये जितने भी आप आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं सब में कार्य करेंगे, आपके लिए काफ़ी फायदेकारी हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अपने भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, इसे ज़रूर लाइक करें, अपने चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। थैंक यू।